आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी लोकप्रिय संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और आज के दिन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी विधानसभा से सदस्यता लेकर के इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता यहां पर ग्रहण जिन्होंने की है, ऐसे मेरे मित्र और मेरे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार वो प्रयासरत रहे हैं और उसी भूमिका में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, ऐसे आदरणीय प्रद्युम्न लोधी जी का मैं बहुत बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, यहां पर उपस्थित मीडिया के सभी मित्रों, आपने सुना कि प्रद्युम्न सिंह लोधी जी ने बुंदेलखंड के विकास के लिए वहां जो गरीब जनता का जो दर्द है उस विकास के दर्द की जो उत्कंठा है उनके मन के अंदर, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो बुंदेलखंड के अंदर देखा, वो कांग्रेस के अंदर विधायक थे, उन्होंने जिस प्रकार से प्रयास किए, लेकिन जिसको मैं मानता हूं कि उनके मन के दर्द के कारण से जिस प्रकार के बात आज मैं यहां पर उनके मन के अंदर आई और आदरणीय उमा भारती जी मध्य प्रदेश की हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही, हम सबकी वो मार्गदर्शक हैं और जिस प्रकार से बुंदेलखंड के लिए आदरणीय उमा जी के मन में भी जो भूमिका हमेशा रही, और मैं तो कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर बंटाढार को उखाड़ करके आदरणीय उमा जी ने उस समय जो मेहनत की, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने सरकार को इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया, तो उनकी भूमिका भी आज हमारे प्रहलाद लोधी जी के साथ उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व ने उनको आशीर्वाद दिया है, और जो बात बुंदेलखंड के विकास के लिए कही है प्रद्युम्न जी, मैं आपको बहुत प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए आपके साथ खड़े होकर के उस बुंदेलखंड के विकास के लिए पूरे जो प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को करेंगे। आपके सामने उन्होंने उल्लेख भी किया है कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता क्यों ग्रहण की है, क्योंकि सिंचाई की परियोजनाएं, हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, माननीय शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों के कारण से मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने शासनकाल में 40 लाख हेक्टेयर से ऊपर शायद और ज्यादा सिंचाई हो गई थी, और उसी का परिणाम यह हुआ था कि जब सड़क बिजली पानी सारी चीजें मध्य प्रदेश को मिली, किसानों को मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, तो हम 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी जीते। तो ये जो विकास की उत्कंठा है जनप्रतिनिधियों के मन में, उसमें से हमारे छोटे भाई प्रद्युम्न लोधी जी के मन में जो था वो उन्होंने आपके सामने रखा है, और मुझे एक बात कहने में बड़ा दर्द होता है कभी कभी, क्यों नहीं होगा जनप्रतिनिधियों के मन के अंदर पीड़ा, मैं वहां का सांसद हूं, मैं बुंदेलखंड का सांसद हूं, मेरे पत्रकार मित्र भी बहुत लोग हैं यहां बुंदेलखंड के। पन्ना के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना किसने की? माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पन्ना के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज इसलिए बनाया कि यहां के गरीबी के क्षेत्र में कैसे यहां कृषि का विकास होगा, कैसे यहाँ के नौजवानों को अवसर मिलेंगे, कैसे तकनीकी के माध्यम से एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जा सकता है, बुंदेलखंड के विकास में सबसे बड़ी भूमिका बन सकती थी। दुर्भाग्य इस बात का मध्य प्रदेश के अंदर, मैं तो मीडिया के माध्यम से आज पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं दर्द होगा प्रद्युम्न लोधी को? मेडिकल कॉलेज, आपने मेडिकल कॉलेज से लेकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना छतरपुर के अंदर की, और एग्रीकल्चर कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों स्थापित किए पन्ना के अंदर, लेकिन आपने जैसे ही मुख्यमंत्री बने एग्रीकल्चर कॉलेज पन्ना को कहां स्थापित किया? ट्रांसफर करके छिंदवाड़ा। ये मैं कोई मजाक में बात नहीं कर रहा हूं, उसके 300 करोड़ के बजट को आप छिंदवाड़ा लेकर के चले गए। अरे क्या आप केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे जी? बुंदेलखंड का विकास नहीं चाहिए था क्या? बुंदेलखंड के अंदर क्या कृषि के विकास में तकनीकी तौर पर एग्रीकल्चर कॉलेज की भूमिका नहीं बन सकती थी? आपने पन्ना के अंदर उस कॉलेज को वहां से ट्रांसफर कर दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज को रोक दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज को रोक दिया, मेडिकल कॉलेज भी हमारा उसी स्थिति में पड़ा है। तो ये जो विकास का दर्द है मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि केवल कोई प्रलोभन के आधार पर लोग चीजें नहीं करते हैं, लोगों के मन में विकास की उत्कंठा है। माननीय उमा भारती जी के मन में बुंदेलखंड को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर के आज भी ये उत्कंठा है।
शिवराज सिंह चौहान लगातार अथक मेहनत करके मध्य प्रदेश को कहां लेकर के गए हैं, इन्होंने 15 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश को जो फिर गर्त में ले गए और ये सब बातें की मैं, तो एक प्रश्न मेरा आज आपसे कि आप कमलनाथ जी क्यों नहीं लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि आपने बुंदेलखंड के विकास को ट्रांसफर छिंदवाड़ा के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए की 1300 करोड़ रुपए, मुझे तो किसी ने बताया 1300 करोड़ रुपए की योजनाएं आप ट्रांसफर करें, सिंचाई परियोजना भी ट्रांसफर कर दी बुंदेलखंड की, रीवा की सिंचाई परियोजना आप लेके कहां गए छिंदवाड़ा। तो ये जो दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से भूमिका निभाई, आज आदरणीय प्रथम लोधी जी ने भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उनको बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका बहुत स्वागत है। और वैसे तो वैचारिक दृष्टि से प्रद्युम्न लोधी अपने ही परिवार में वापस आए हैं, वो तो उनका मूल और जड़ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस विचार में है, इसलिए मेरा बहुत हृदय से उनका अभिनंदन है। और हम सब मिलकर के बुंदेलखंड के विकास के लिए, सभी जनप्रतिनिधि हम मिलकर के बुंदेलखंड के विकास को आगे ले जाएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ भाई प्रद्युम्न लोधी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।